प्रिय संस्कृत मित्रण, नमः संस्कृत। आज शिवराज विजय की व्याख्या चल रही है और उस कथानक से, मैंने जो हमने कल पढ़ाया था उस कथानक से आगे पढ़ने से पहले मंगलाचरण कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत हिस्रन स्वपापेन विहिंसितः खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि विजयताम शिवीर शिवराज जी की विजय हो, शिवाजी की विजय होए और आपके मनोरथ की भी सिद्धि प्राप्त होए, सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा, माने आपके मनोरथ भी पूर्ण हुए। और मंदम व्याकर धीरे से स्वर में योगी राज ने कहा, अब उसके बाद, यहाँ तक की तो कहानी हमने पढ़ लिया था, अब उसके बाद कि अथ किमप, माने इसके बाद जो है किमप प्रपिच्छामि कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो यह सनंत क्रिया का प्रयोग है चाहने के अर्थ में। पपिच्छामि एक वाक्य बनता है, तो यहाँ पीने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, जो भी हो, तो मैं हे महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सनैर अभिधाय, माने ऐसा धीरे से उन्होंने, उस ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि बद्ध कर संपुटे सोत उत्कंठे जटिल मुनो, बद्ध कर हाथ को जोड़कर, बद्ध कर संपुटे, संपुट होता है इस तरह से हाथ को जोड़ना, बद्ध माने बांध कर, कर माने हाथों को बांध कर, माने हाथ जोड़कर सोत कंठे जटिल मुनो, जैसे उनके अंदर वह इसकी इच्छा हुई, तभी उस योगी राज ने कहा अवगतम, मुझे मालूम है कि आप क्या पूछना चाहते हो, क्योंकि वह त्रिकालदर्शी थे योगी राज और वह भूत भविष्य वर्तमान चारों के ज्ञाता थे, इसीलिए उन्होंने कहा अवगतम यवन युद्ध विजय एव, कि यवन के युद्ध में मुसलमानों के साथ जो युद्ध होगा उसमें उनकी विजय होगी शिवाजी की। और देवदा दैवात आपदग्रस्तो अपिचय, हाँ कुछ परेशानियाँ अगर उन्हें आएंगी भाग्यवशात, तो अभी उनके मित्र की सहायता से वह परेशानी दूर हो जाएगी। सखी सहायेना आत्मान मानम उद्धिरिष्य, वह अपने सखी माने मित्र, अपने मित्रों के साथ उस समस्या को, उस बाधा को वह दूर कर ले जाएंगे। कि जब शिवाजी को बचाने के लिए रघुवीर जी जाते, रघुवीर ही उन्हें छुड़ाकर लाते हैं, यह कथानक आपको पीछे मिलेगा, या जब इसके पूरे भाग को पढ़ेंगे तो आएगा कि रघुवीर सिंह कौन था, ऐसी घटना हुई थी। अब आगे बताया इति संभाड़ित, मैंने ऐसा कहा कि पहली बार कि वह मुसलमानों के साथ जो युद्ध होने वाला है भविष्य में, जो निश्चित है, क्योंकि वह चल दिया है इधर दुर्ग, सिंह दुर्ग में शिवाजी भी हैं, युद्ध होने वाला है आगे कुछ समय पर, समय बाद, तो उसमें वही योगी राज की इच्छा थी, क्षमता ब्रह्मचारी की इच्छा थी, वह रिजल्ट जानना चाहते थे कि महाराज जीतेगा कौन। इसीलिए पहले का अवगत, अब मुझे मालूम है कि शिवाजी की विजय होगी, कुछ बाधाएं आएंगी भाग्यवशात, दैवीय आपदाएँ आएंगी, लेकिन वह भी अपने मित्रों के साथ उस आपदा को वह दूर कर ले जाएंगे, ऐसा उस गुरु जी ने कहा। और मुनिश्च गृहितम इति उदीर्यम, अर्थात वह मुनि उन बातों को ग्रहण करके ठीक ठीक है समझ गया। और पुनः किंचित विचार्य स्मृतेव च, उनके अंदर फिर कुछ पुनः विचार आया, उसका स्मरण करके दिया, दीर्घम उष्णम लंबे गर्म निश्वास सांस लेकर रो रुद्ध मानैरपि, आँखों में आंसू आते रहे, माने रोरुद्ध माने माने आंसू आते हुए, माने चेहरा उनका रूधा रूधा हो गया, चेहरे पर उन्हें रोने का जैसा जो है लक्षण दिखा। और कश्चित उदगतय वाष्प बिंदु भिरा, अर्थात उनके चेहरे पर, उनकी आँखों में उदगतय निकल आए हैं आंसू, और कुल नयनयो, माने आंसुओं के समूह निकल आए, उनके आंखों में आंसू आ गए, भगवान कुछ बातें उस ब्रह्मचारी गुरु को याद आ गए। उस ब्रह्मचारी गुरु को जब वह बातें याद आई, लंबी गहरी सांस लिया, और उसके बाद रोरुद्ध माने रे, अर्थात
जैसे चेहरा रोने पर हमारा हो जाता है उस तरह से उनके चेहरे पर भाव आया। अब कश्चित उद्गतई वाष्प बिंदुभिर और दिया है अकुल नयनों उनके आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा भगवान हे योगीराज प्रायो दुर्लभो युष्माद् दृक्षाणाम साक्षात्कार इत्यपरा अपि पृच्छाच्छादयति माम कि प्रायः दुर्लभ माने होता है कठिन। दुर्लभ माने क्या होता है कठिन। युष्माद् माने होता है युष्माद् ये देखिए युष्माद् माने आपका उस्मान माने क्या होता है कि आपका कि प्रायः मैं तो ये जान रहा हूँ लेकिन फिर भी आप जैसे महात्माओं के उस्मान आप जैसे महात्माओं के दर्शन तो दुर्लभ होते हैं। दर्शन क्या है दुर्लभ होते हैं लेकिन इत्यपरा अपि पृच्छाच्छादयति माम लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ पूछने की इच्छा है मुझे विवश कर रही है कि पुनः कश्चित इत निवेदयति मैं निवेदन कर रहा हूँ मुझे कुछ पूछने के लिए कुछ बातें विवश कर रही हैं ऐसा निवेदन करते हुए सच आम बाबा समझ गए हुए योगीराज समझ गया कि यह ब्रह्मचारी गुरु क्या पूछना चाहता है तो कहते हैं सह माने वह च माने और आम माने है वह ठीक हैं। बाबा व्यास जी का कथानक देखिए प्रश्न पूछा ही नहीं योगी राज ने बता दिया जिसके बारे में तुम सोच रहे हो जिसके बारे में सोचकर तुम्हारे आँखों में आंसू आ गए तुम्हें हमें पूछने के लिए विवश कर दिया वह ठीक है। वह क्या है वह ठीक है और बताया उररी कृतम जीवितम और वह जीवित भी है वह जीवित भी है और वह ठीक भी है। रघुवीर सिंह की चर्चा हो रही है और आगे बताया सुखैन एवास्ते इत युद्ध सह सुखैन एवास्ते इत उदितिरत यहाँ बताया कि वह सुखी हैं वह जो है जीवित है ऐसा जब उन्होंने कहा उदितिरत माने कहा और कथम इसके बाद कहते हैं कि तम कदा द्रक्ष्यामि मैं तुम्हें कब देखूंगा दिया ना कि तम कदा द्रक्ष्यामि मैं उसको कब देखूंगा। ये ब्रह्मचारी गुरु जी का वाक्य है आ जाएगा तम कदा द्रक्ष्यामि किसने कहा तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रह्मचारी गुरु जी का है। और बताया इति पुनः पृष्ठवती ऐसा दोबारा उन्होंने पूछा कि मैं उसको कब देखूंगा तो कहा कि तद विवाह समय द्रक्ष्यसि जब उसका विवाह होगा उसी समय उस रघुवीर सिंह को तुम देखोगे। इत्यम अभिधाय इतना कहकर बहूनि सांत्वना वचनानि अनेक प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचनों से गंभीर स्वरेण उक्त्वा गंभीर स्वर में बोलते हुए सपद उपत्यका में सपद माने शीघ्रता से उठकर जो है पर्वत की तलहती से गंड शैला नाम उसकी चोटियों पर अधि तक क्या चढ़ाई करके चाहरुए माने कि पर्वत की घाटियों से उठकर उस पर्वत की चोटियों पर गंड शैला नाम उस पर्वत पर चढ़कर पुनः तस्मिन नेव पुनः उसी पर्वत की कंदरा पर्वत कंदरे उसी गुफा में तपस्तपतुम जगाम तपस्या करने के लिए बैठ गए अर्थात चले गए क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया था उस योगी राज ने कि मैं फिर यहाँ से जाऊँगा तो समाधि में ही जाऊँगा। तो उस तरह से भारतवर्ष की वह घटना को सुनकर कुछ ब्रह्मचारी के मन में इच्छाएं थीं उसको पूछकर जब जो है बहुन प्रकार की सांत्वना दिया है ना अन्य भी बातें पूछी इसीलिए लिखा है इति अभिधा इतना कहकर बहुन सांत्वना वचना अन्य प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचनों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ वह यहाँ था उस योगी राज ने सब कुछ बताया गंभीर स्वरेण उक्त्वा और गंभीर स्वर में
कहते हुए कहा और कहा, सपद उपत्यका में शीघ्रता से उठा और पर्वत की शिखर पर जाकर च आहरू चढ़कर पुनः तस्मिन उसी गुफा में उसी पर्वत कंदरा में तपस तप तुम जगाम, वह जो है उसमें तप करने के लिए चले गए। अब इसके आगे बताया गया कि ततः सनई सनई निर्याते, धीरे धीरे उस योगी राज के चले जाने पर धीरे धीरे सब वहाँ जितनी भीड़ थी वो भी धीरे धीरे चलने लगी। अपरिचित जनेशु, अर्थात जो अपरिचित लोग आए थे, गांव के अगल बगल के लोग आए थे, वो धीरे धीरे जाने लगे। संवृत्ते च निर्मक्ष के, अर्थात वह पूरा आश्रम निर्मक्ष हो गया, अर्थात वहाँ अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रह गया, कोई भी मनुष्य उस आश्रम में नहीं दिखाई पड़ा, अर्थात बाहरी व्यक्ति रह ही नहीं गया। जो उस योगी राज को देखने आए थे सभी अपने घरों में चले गए। और मुनि गौर बटूम आहुई, इसके बाद उस ब्रह्मचारी गुरु ने उस गौर बटू को बुलाकर कि विजयपुराधीशाज्ञा अर्थात बीजापुर के राजा की आज्ञा से शिववीरेण सह युद्धुम ससेन, के शिवाजी से युद्ध करने के लिए ससेन सेना से प्रसिथस्य प्रस्थान कर दिया है। अफजल खान के विषय में यावत किमपि प्रष्टुम येस तावत, आपका उस अफजल खान के विषय में क्या मत है, तावत माने तबत, जैसा उस ब्रह्मचारी गुरुजी ने उस बटू गौर बटू से पूछना चाहा कि एक तरफ तो वह शिवाजी और उधर युद्ध करने के लिए चल दिया है, कौन वह जो विजयपुर का धीस था शिववीरेण के मान केसर, किसके साथ, शिवाजी के साथ था बीजापुर का शासक, लेकिन वह अभी क्या कर रहा था, अपने ही लोगों से लड़ रहा था। इसीलिए बताया भारत देश में यवन काल का इसीलिए उद्भव हुआ कि अपने से ही हम लोग लड़ रहे थे। तो ही दिया है कि विजयापुर धीसा मैंने बीजापुर के जो शासक था वह शिववीरेण से शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित प्रस्थान कर दिया। अफजल खान से विषय यावत किमपि प्रष्टुमियेश, आपका अफजल खान के विषय में क्या विचार है, इतावत मन जैसे ही उन्होंने इसे पूछा कि अफजल खान में गौर बटू तुम्हारा क्या विचार है उसके संदर्भ में, तूने कहा तावत मन तब तक पाद चार ध्वनिमिव कश्याप श्रौसित, तभी कुछ कदम चलने की आहट सुनाई पड़ती है। जैसे ही उन्होंने पूछना चाहा तब तक कुछ जो है कदम चलने की आहट सुनाई पड़ती है और ये सभी गुप्तचर थे, कदम की आहट को सुनकर तुरंत शांत हो गए। और बताया आगे कि तम अवधार्यम अन्य मनस्के यु मनो, उसके बाद उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक आवाज़ को सुनना चाहा, अपने मन में धारण करना चाहा उन मुनियों ने, लेकिन गौर बटुरपि तनय ध्वनिना कर्णयो कृष्टम इव समुत्थाय, कि जिधर से ध्वनि आ रही थी उधर कान लगाकर, जहाँ से ध्वनि आई उस तरफ देखकर उस तरफ कान लगाकर इव समुत्थाय निपुण परितो तेजी से उठकर, इव माने उठकर, जिधर से आवाज़ आई वह गौर बटू क्या किया, तेजी से उस तरफ गया और समुत्थाय उठकर निपुणम परितो निरीक्ष, चारों तरफ निपुणता के साथ निरीक्षण किया। ये गुप्तचर थे कि कहीं हमारी कोई बात तो नहीं सुन रहा है, इसलिए उन्होंने चारों तरफ निपुणता से उन्होंने क्या किया, निरीक्षण किया। और पर्यटम माने इधर उधर घूमकर, कोयम कौन है, कोयम कौन है, इस तरह की आवाज़ देते रहे। इति च साम्रेड व्याहृत, एक बार नहीं कई बार पूछा कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, जैसे कहीं से भी हमें अचानक आवाज़ आती है तो हम भी इसी तरह आवाज़ देते हैं कौन है, जैसे दरवाज़ा कोई हमारा खटखटा दे या कुंडी बजा दे दरवाजे की, हम पहले अंदर से ही आवाज़ देते कौन है, जब घर में सारे व्यक्ति मौजूद हैं फिर दरवाज़ा की कुंडी कौन खटखटाया, तब इस प्रकार से प्रश्न निकलते हैं कौन है। तो ऐसा तीन चार बार उस ब्रह्मचारी गुरु और शिष्यों ने कहा कौन है वहाँ, कौन है। उसके बाद कंपन्यो लोक च
चारों तरफ देखते हुए पुनः निर्वृत वापस लौट आए। मन ने मजा रहे कोयल, उन्होंने कहा लगता है कोई बिल्ली है। मंदम गुरवे निवेद, ऐसा गुरु जी से निवेदन किया, लगता है कोई बिल्ली है। इसके बाद पुनः तथय उपविवेश, फिर पुनः मन पहले की तरह उस गुरु जी के पास बैठकर मुनिष्ठ माँ अस्म कश्चिदतर श्रवसित, हमें कुछ पूछने की इच्छा है, इति सशंका है, ऐसी सशंका से करते हुए मुझे अभी कुछ और जानना है, कुछ हमें और चीज़ें सुनाई पड़ रही हैं, इति सशंका है, ऐसी आशंका करते हुए विरम माने रुक कर कुछ देरी तक वह ब्रह्मचारी और वह गौरबटु कुछ समय तक विरम माने रुक गए। फिर पुनः उपन्यस्तु आरभे, फिर दोबारा पूछना प्रारंभ किया। थोड़ी देर तक रुक गए, आहट जब समाप्त हो गए, थोड़ी देर तक उन्होंने समय दिया कि कहीं से फिर कोई आहट ना जाए, कोई सुनाई ना, हमारी बातों को सुन ना ले। इस प्रकार से डर से वह क्या किया, सशंकित होते हुए थोड़ी समय तक विरम माने रुका और पुनः उपन्यस्तुम आरभे, फिर दोबारा उन्होंने पूछना प्रारंभ किया कि माँ अस्म कश्चित तरह, कहीं हमारी बात कोई और न तो नहीं सुन रहा है, कभी यह पूछ देगा कि मुनिष्ठ माँ अस्म, यह गौरवटु का वर्ण है, यह क्या है, गौरवटु का वर्ण है कि माँ अस्म हमारी कोई बात जो है कहीं कोई सुन न ले। ऐसी शंका करता हुआ सशंक क्षणम विरम, कुछ देरी तक वह रुका, उसके बाद गुरुजी से उन्होंने कहना प्रारंभ किया। और फिर उसके बाद आगे आते हैं तो बताया कि वत्स गौर सिंह, हे वत्स गौर सिंह, अहम अनंत्यम तो श्यामि तोय, मैं आज तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। यत तुम्हें का कि तुमने जो है अफजल खान से तीन स्वान, अफजल खान के तीन घुड़सवारों को तेन दासी कृतान, कि जो उन तीन घुड़सवार लोगों के द्वारा पंच ब्राह्मण तनयांश, पंच बालकों को, पंच ब्राह्मण लड़कों को दासी बना लिया गया था या पकड़ लिया गया था, मोचित्वा आनीत, तुमने उनको आनीतवान छुड़ा लाया। इसीलिए ब्रह्मचारी गुरुजी गौर सिंह को कह रहे हैं, हे गौर सिंह, तो मैं आज आपसे संतुष्ट हूँ क्योंकि तुमने अकेले ही, तुम्हें का की, तुम अकेले ही क्या किए, अफजल खान के जो तीन घुड़सवारों ने उस ब्राह्मण लड़कों को, कितने पंच ब्राह्मण लड़कों को पकड़ा था, अकेले ही तुम उनसे छुड़ा लाए। कथम न भवेर दृशम, भवेति दृशम, और ऐसा क्यों ना हो, तुमने ऐसा कार्य ही किया है कि ऐसा कोई होगा नहीं, तुम ऐसे क्यों ना होगी। दिया है ना यहाँ पर कि कथम न भवेर दृश्यम, ऐसा तुम क्यों नहीं होगे, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजवंशी हो, तुम में युद्ध लड़ने की क्षमता है। इसीलिए वह ब्रह्मचारी जी योगी का वाक्य है, आखिर ऐसा तुम क्यों नहीं करते, तुम्हारी भुजाओं में बल है और तुम क्षत्रिय हो, अपने राष्ट्र की, अपने राज्य की, अपने सनातन धर्म के लिए तुम उस अफजल खान से लड़कर पंच ब्राह्मण को छुड़ा लाए। अब बताया कि कुलम एव दृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, जो बात बताई कि तुम्हारा जो कुल है, परिवार है, देश है, वह क्षत्रियों का देश है, क्षत्रियों की ये तो राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, तुम क्षत्रिय वंश में हो, ये तुम्हारा कर्तव्य था। और तावत पुनः श्रूयत मरमर पादस्थेपश्च, उसके बाद फिर जैसे गुरुजी यह बात कहते हैं तुम क्षत्रिय, तुम्हारा धर्म था, तो इसके बाद मरमर की ध्वन सुनाई पड़ती है, पादस्थेपश्च, जैसे ही पैर रखा जाता है और फिर मरमर की ध्वनि आती है, जैसे सूखे पत्ते पर कोई भी पैर आप रखोगे तो चर्र दी आवाज़ आएगी, तो पत्ते की चरचराहट मरमराहट जैसी आवाज़ पुनः सुनाई पड़े। और ततो विरम्य मन रुक कर, फिर वह रुक गए दोनों और मुनि स्वयं उठाए, वह ब्रह्मचारी गुरु स्वयं खड़े हुए,
अभी तो गौर बटू गया था पहली बार जब पाद ध्वनि आई, पैरों के चलने की आहट सुनाई पड़ी तो गौर सिंह गया था। लेकिन अब गुरुजी भी स्वयं उठकर खड़ा हो गए और प्रोच्यम और शिला पीठम एकम आरुह, उस शिला पीठ पर एकाएक आरुह माने चढ़कर निपुणतया परितय। तो शिला पीठ माने जब हमें कोई चीज़ कहीं से आहट आते तो हम ऊंचे स्थान पर जाते हैं देखने के लिए, तो कहीं कोई कुछ दिखाई तो पड़े, ज़्यादा दृश्य हमें दिखाई पड़े, ज़्यादा क्षेत्र दिखाई पड़े। उसी तरह वह योगी राज क्षमता वो ब्रह्मचारी गुरु भी उस शिला पीठ पर एकाएक खड़े हुए चारों तरफ दिया है आगे निपुणतया सावधानी पूर्वक परितय माने चारों तरफ पश्यन्नपि देखा, चारों तरफ उन्होंने देखा। कारणम किमपि नावलोकयामास, लेकिन उस चरण का उस जो मरमराहट की ध्वनि आ रही थी पादा छः पैरों के रखने से तो उसका कोई कारण इन्हें अवलोक्य माने नहीं दिखाई पड़ा। चरण आक्षेप शब्द से जो चरण के शब्द आक्षेप से रखने से जो शब्द निकल रहे थे, जो ध्वनि निकल रही थी उसका कोई कारण उन्हें नहीं मिला। इसीलिए अतः पुनरेकतानेन निपुणम, इसके बाद पुनः एक बार चारों तरफ दिया है निपुणम सघनता के साथ चलाकी के साथ कौशल के साथ निरीक्षमाणेन निरीक्षण के द्वारा गौर सिंह हैं गौर सिंह के द्वारा दिया है दृष्टम यथ देखा गया कि कुटीर निकटस्थ कुटीर के निकट ही निष्कुटक कदली कूटे कि जो झाड़ियाँ आदि थीं उन झाड़ियों में जो केले की झाड़ियाँ थीं कदली कूटे जो केलों का समूह था दुई त्रया दिया दुई और त्रा दो तीन तरवह माने वृक्ष अतितराम कंपनते बहुत ज़्यादा हिलाई या बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। यह गौर सिंह के द्वारा देखा जाता है। प्रश्न बनेगा किसके द्वारा कदली के वृक्षों को हिलता हुआ देखा गया? गौर सिंह के द्वारा। प्रश्न भले इतना डीपली गहराई से ना पूछे, यदि पूछ देगा तो जो पढ़ा होगा उसका सही होगा। यहाँ वही बताया कि उसके बाद जब कोई कारण नहीं मिला दोबारा उन्होंने सघनता के साथ चारों तरफ दृष्टि घुमाई और निपुणता के साथ देखा तो गौर सिंह हैं गौर सिंह के द्वारा दृष्टम यत देखा गया कि यत कुटी माने जो कुटी के निकट निष्कुटक कदली कुटे जो समीप में ही केले का समूह है केले के जो वृक्ष हैं जो झाड़ियां हैं द्वित्रास तरवह अतितराम कंपनते बहुत ज़्यादा है दिखाई बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं। किसके द्वारा देखा गया? गौर सिंह के द्वारा कि दो तीन केले के वृक्ष आवश्यकता से ज़्यादा हिल रहे हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आगे इसका कथानक अगले वीडियो में मिलेगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।